राष्ट्रीय मानव संग्रहालय द्वारा आयोजित पूनम श्रृंखला में आप राजशेखर जी यहाँ गाने के लिए आए हुए हैं और ये एक अच्छा मौका है कि हम उनसे इस सदी के महान गायक पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर के बारे में और उनके खुद के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। आप कुछ पंडित जी के बारे में बताएंगे कि वो ग्वालियर गायकी और जयपुर गायकी के जो दोनों की तालीम उनको हुई थी। हाँ। उसके बारे में कुछ हमें विस्तार से थोड़ा सा अच्छा अच्छा बताने का कष्ट करें। ओके, यू सी इनिशियली माय फादर टुक ट्रेनिंग फ्रॉम नीलकंठ बुआ मिरजकर ऑफ मिरज जी फॉर नियरली 6 to 8 years जी फ्रॉम हिज एज ऑफ 8 ऑनवर्ड्स। तो पहले मेरे पिताजी जब वो ड्रामा में काम करते थे जी तभी ड्रामाज वर म्यूजिकल ड्रामाज जी तो वो रोल्स भी करते थे रोल्स लाइक वीर अभिमन्यु नारद शकुनी तो वहां पे क्या होता था वो गाते थे जी ठीक है जी इतना इम्प्रेशन होता था जब व्हेन ही वाज अबाउट 7 or 8 कि लोग देवर रादर सरप्राइज दैट अ यंग बॉय ऑफ 7 कुड सिंग फॉर 20 minutes or 30 minutes एक एक सॉन्ग। तो नीलकंठ बुआ हिमसेल्फ केम इन सर्च ऑफ दिस यंग बॉय आके वो ड्रामा कंपनी के मैनेजर से पूछा कि यहाँ एक बालक है जो बहुत अच्छा गाता है हमको देख उसको सुनना है। तो माय फादर वाज सेंट फॉर एंड ही वाज आस्क्ड टू सिंग। जब बाबा गाए तो नीलकंठ बुआ वाज वेरी इम्प्रेस्ड एंड ही सेड आई वुड लाइक टू हैव दिस बॉय एंड टीच हिम हिंदुस्तानी म्यूजिक। नीलकंठ बुआ आलूर मठ वॉज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिसाइपल्स यू सी ऑफ द ग्वालियर घराना जी एंड इट वॉज ऑल अ मैटर ऑफ द गुरु कमिंग इन सर्च ऑफ अ शिष्य एंड नेचुरली माई अंकल हु वॉज एल्डर टू माई फादर जी ही वॉज टेकन अ बैक एंड ऑफकोर्स ही वॉज वेरी हैप्पी दैट नीलकंठ बुआ हिमसेल्फ वॉन्टेड टू टीच माई फादर जी। तो मेरे पिताजी नीलकंठ बुआ के पास गए 6 या 8 बरस तक उनके घर में ही रहे जी नहीं? और घर में रह के सुबह 4 घंटे से लेकर 8 घंटे तक 4 घंटे रियाज होता था जी। फिर दोपहर में होता था और फिर शाम को तो ऐसा फॉर अबाउट 8 to 10 hours एवरी डे ही टुक तालीम फ्रॉम नीलकंठ बुआ एंड बाई द टाइम ही वॉज अराउंड 19 राइट फ्रॉम 9 onwards to 19 ये सिलसिला चला जी ग्वालियर घराने का। तो द फाउंडेशन ऑफ माई फादर्स म्यूजिक वॉज फर्स्ट इन ग्वालियर घराना जी ठीक है। उसके बाद क्या हुआ ड्यू टू इकोनॉमिक रीजन्स एंड ऑल बाबा को धारवाड़ आना पड़ा। बाई दैट टाइम ही वॉज ऑलरेडी मैरिड तब तो चाइल्ड मैरिजेस होते थे ना। माई फादर वॉज 7 years old एंड माई मदर वॉज 5 years तभी शादी हुई उनकी बचपन का। और बाई द टाइम ही वॉज 19 ही हैड टू कम बैक एंड देन स्टार्ट अ होम अ हाउस सो गृहस्थ बन गए। लेकिन कमाई तो उतना नहीं था जी। तो उन्होंने क्या किया सोचा कि मैं प्रोग्राम्स दे के कमाऊं। और उस जमाने में धारवाड़ में तो सुनने वाले थे लेकिन पैसे देने वाले कोई नहीं था जी। अच्छा प्रोफेशनल प्रोग्राम्स के लिए नहीं होता था। तो तब रमाकांत रूप जी ऑफ HMV जी कंपनी ही वॉज मैनेजर ऑफ HMV कंपनी वो एक बार हमारे बाबा को सुने तो ही वॉज वेरी इम्प्रेस्ड। तो बोले कि एज अर्ली एज पॉसिबल आई वुड लाइक टू हैव योर रिकॉर्डिंग्स। तो व्हेन ही वॉज 23 years old उन्होंने
अपने पहले रिकॉर्ड दे दिया जी HMV के लिए, वो अढ़ाना कंगन वामोरा जी, हाँ RPM 75 RPM, और दूसरी बाजू गौड़मला संयम हो रहा है। तो वहां से लेकर 1934 टू 35 बहुत सारे रिकॉर्ड HMV वाले ने किए। उसके बाद बाबा वॉज हैप्पी विद ग्वालियर घराना, लेकिन उनको एक एक अधूरापन लगने लगा कि इसके बाद मैं क्या करूं। ठीक है, 1936 नीलकंठ बुआ पास्ट अवे, तो ही डिड नॉट नो वेयर टू गो। इन फैक्ट ही इवन वेंट टू रामकृष्ण बुआ वजे ग्वालियर घराने के, और पूछे कि क्या आप सिखाएंगे मुझे, तो समा और ही डिडंट अग्री। तो बाबा बहुत मुश्किल में पड़ गए कि उन्होंने महसूस करने लगे कि क्या मेरा विद्या अधूरा रह गया क्या। तो इस हालत में वो बंबई में एक बार अपने दोस्त विष्णुपंत पागनीस करके थे जी। वो मराठी नाटक और स्क्रीन पे भी काम करते थे जी। और गाना भी गाते थे, और पेशे से सराफ थे गोल्डस्मिथ। तो एक बार बाबा उनके यहाँ गए थे, दोस्त थे, तो उतने में मंजी खान साहब आ गए वहां उस दुकान को। मंजी खान साहब यानी अलादिया खान साहब के बेटे जी। तो ऐसे ही बातचीत चल रही थी, तो पागनीस ने बोला कि मंजी खान साहब जी, एक छोकरा है, ये एक लड़का है, यंग मैन यू हैव वी हैव एंड ही सीम्स टू बी सिंगिंग क्वाइट वेल, तो क्या आप उनको सिखाएंगे। तब मंजी खान साहब किसी को नहीं सिखाते थे, तो उन्होंने कहा कि इज देयर एनी वे इन विच आई कैन लिसन टू हिम। तो पागनीस बोले ठीक है, आई अरेंज फॉर यू टू लिसन टू हिम। इमीडिएटली दे ब्रॉट अ ग्रामोफोन फ्रॉम वेयर एंड देन दे पुट ऑन दिस रिकॉर्ड ऑफ माय फादर, एंड द फर्स्ट इंप्रेशन दैट मंजी खान साहब गॉट अबाउट माय फादर वाज दैट हियर वाज अ बॉय हु कुड पिक अप हिज स्टाइल ऑफ सिंगिंग। तो उसी दिन वहीं पे मंजी खान साहब ने कहा ठीक है, मैं आपको सिखाऊंगा। 15 दिन के बाद गंडा बंधन भी हो गए मंजी खान साहब के पास। अलादे खान साहब सामने थे और कई गण लोग आए थे, और पहली दफा ही मंजी खान साहब ने भीमपला शुरू किया। मेरे पिताजी मुझसे कहते थे वो भीमपला जो कई मायने में एक एक साधारण राग मानते हैं जी। एक छोटा राग मानते हैं, इतना उसको विस्तार करके 1.5 घंटा गाए तो मैं अचंभित रह गया कि इतना छोटा सा राग जो जो लोग कहते हैं उसको 1.5 hours ही कुड इलेबोरेट इट विदाउट रिपीटेशन, कि आई वॉज डंबस्ट्रक। तो उस दिन से मुझे लगा कि तब तक मैं क्या सीखा था उससे आगे का गाना ये है जी, पत्रोली जयपुर का गाना। तो उस दिन से 2 बरस तक मंजी खान साहब ने बड़ी प्यार से उनको सिखाया जी। मंजी खान साहब को ही हैड नो चिल्ड्रन ऑफ हिज ओन, तो कहते थे कि मुझे तो बच्चे नहीं है, तो आई विल टीच यू लाइक माई सन एंड आई विल टीच यू एवरीथिंग। और माई फादर वॉज इन एन एक्सट्रीमली रिसेप्टिव मूड, ये सिर्फ देने वाले के ऊपर नहीं रहता, लेने वालों पर भी डिपेंड करता है कि आप कितना लिए, द कैपेसिटी टू टेक इन इज इंपॉर्टेंट। सो मंजी खान साहब यूज टू सिंग एंड आस्क माई फादर टू सिंग अलोंग विथ हिम। देखिए ये संगीत शिक्षा में ये जो सिखाने का तरीका होता है दूसरे लोगों का अलग रहता है, लेकिन ये साथ में गाने का फॉलो करने का, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, इमिटेशन ऑफ द गुरु, यू सी यू स्टार्ट फ्रॉम देयर एंड धीरे धीरे अपने आप जब इमिटेट करते हैं तो
you will really begin to appreciate the niceties, the subtleties of what your guru is doing. And then Manji Khan Sahib bolte the, acha, to aap aage gayi. This he did for 2 years. तो ये दोनों घराने का जो ब्लेंड है वो मेरे फादर के खूबियत है. आई मीन दैट इज द यूनिक फीचर ऑफ माय फादर्स स्टाइल ऑफ सिंगिंग. जी, यानी ग्वालियर और जयपुर दोनों की तालीम जो उनको हुई. हाँ, तो एक तरीके से जो हम आज कहते हैं कि आप जयपुर घराने का गायन गाते हैं. हाँ, उसमें भी एक यूनिकनेस यूनिक एस्पेक्ट है. दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द मिक्सचर ऑफ, आई वुडंट से मिक्सचर, इट्स अ ब्यूटीफुल ब्लेंड. ब्लेंड एमलगमेशन तो इतना क्लोजली हो गया कि दोनों मिलकर एक स्ट्रक्चर, एक टेक्सचर हो गया. जी, आप एक क्लॉथ का टेक्सचर से एक धागा निकले तो सभी क्लॉथ विल गो आउट. यू सी, तो इतना गार्ड और क्लोजली निट एक स्टाइल हो गया. बहुत ही खूबसूरत स्टाइल. तो ये जो ग्वालियर का गंभीर था एंड देन द मैजेस्टी ऑफ ग्वालियर, राइट, ए सर्टन अमाउंट ऑफ मैजेस्टी और ग्वालियर का प्लस जयपुर का इंट्रिकसीज एंड द कॉम्प्लेक्सिटी एंड जयपुर का लय से संबंध, लयकारी जोड़ंग से बाबा हमेशा कहते थे कि जयपुर घराने में अकॉर्डिंग टू हिम एज ही सॉ जयपुर घराना थ्रू मंजी खान साहब. नाउ वी मस्ट ऑल्सो मेक अ डिफरेंस बिटवीन जयपुर पीपल हु हैव फॉलोड अदर्स ऑफ द जयपुर घराना एंड माई फादर. माई फादर बेसिकली लर्न फ्रॉम मंजी खान साहब एंड बुरजी खान साहब. ही डिडंट लर्न फ्रॉम अलादेह खान साहब. अलादेह खान साहब के रिप्रेजेंटेटिव तो अदर्स देर आर, मुगु भाई कुड़ी के है और केसर भाई है. नाउ इनमें भी फर्क है. मंजी खान साहब, ही वॉज नॉट टाइड टू जस्ट अलादिया खान स्टाइल, ही यूज टू लिसन टू अदर्स ऑल्सो. तो मंजी खान साहब के उसमें किस चीज का, यानी और किस चीज का प्रभाव था, किन गायकों का और प्रभाव रहा? रहमत खान को सुनते थे वो. रहमत खान साहब? हाँ, बाबा रहमत खान साहब. हाँ, उनको सुनते थे, ग्वालियर से बहुत लेते थे और आगरे वाले को भी सुनते थे. जी, जयपुर और आगरे घराने में लेन देन तो बहुत है. जी, रिलेशंस आल्सो आर देयर. जी, और लेन देन भी है. जी, ठीक है. जी, तो मंजी खान साहब वॉज एक्सपोज टू द बेस्ट ऑफ ऑल अदर स्टाइल्स आल्सो. जी, तो उनको एमलगमेट करके मंजी खान साहब का एक अलग ही स्टाइल था. स्टाइल Which was totally different from Aladia Khan's music. उनका जो स्टाइल था, यानी अलादिया खान साहब के घराने से होते हुए भी उन्होंने अपना एक अलग आइडेंटिटी रखा. If you would allow me to say it, I would say that had Manji Khan Sahib lived for another 10-15 years and had a few more disciples, I'm sure there would be a definite break in the Jaipur Atroli Gharana, in the sense that Manji Khan Sahib ka ek identity ho jata tha. Unka gaiki ka. Ho sakta unka bhi ek apna gharana bane. Gharana hi shayad gharana ban sakta tha. Ho sakta tha. Right? Kyunki Manji Khan Sahib was an extremely imaginative person. Wo Manji Khan Sahib ko bithaya hua sangeet nahi tha. Theek hai? Unko full freedom tha. राग का रूपरेश बता के उसके बाद ही कुड एक्सरसाइज हिज एंटायर लिबर्टी, टेक लिबर्टी विद इन द गिवन ग्रामर ऑफ द राग. इसलिए मेरे बाबा कहते थे कि ही वॉज लाइक एन ओशन हुज शोर्स यू डोंट नो. आप जाते ही रहिए, यू डोंट मीट अ शोर एट ऑल. और कितना जाएंगे आप? अच्छा, मंसूर साहब के जीवन की कोई खास स्मृति, यानी जिसको कहेंगे सांगीतिक स्मृति, म्यूजिकल, उनका कुछ ऐसा बताना चाहेंगे आप
कि जो उनका जो स्मरणीय है और जिसको कि वो उनके जीवन में जिसका कोई खास महत्व है। हाँ वैसे तो बहुत सारे हैं, इंसिडेंट्स तो बहुत सारे हैं। वो मैं एक दो इंसिडेंट्स बताना चाहूंगा। एक बार हमने सम रिमोट विलेज को गए थे, बसव कल्याण करके एक गांव है अपना कर्नाटक में, तो वहां एक प्रोग्राम था। सब खेड़े के लोग आते थे, विलेज पीपल हैड कम देयर। तो दी एटमॉस्फेयर वाज, देयर वर विलेजर्स विद ऑल टर्बन स्टाइल एंड स्मॉल किड्स, यू नो। आई वाज देयर फॉर साथी। मैं डरने लगा कि इनके सामने मेरे बाबा गा के इनको कैसे पटाएंगे। तो आई वॉज रियली नर्वस। एंड अ फ्यू बैंक ऑफिशियल्स, दे वर ओपनिंग द 1000th ब्रांच ऑफ कैनरा बैंक और समथिंग, 10-12 ऑफ देम, एंड द होल ऑडियंस वॉज कंपोज ऑफ विलेजर्स फार्मर्स। तो मुझे डर लग रहा कि इन लोगों को कैसे ये पटाएंगे। बाबा लुक्ड एट मी वंस, ही गेव मी अ स्माइल। उनको पता लगा कि मैं डर रहा हूं, तो बोला ठीक है चलो। ही सैंग कन्वेंशनल रागास देयर फॉर 40-45 मिनट्स, वन रागा ही सैंग, एंड आई टेल यू द एंटायर ऑडियंस वॉज स्पेल बाउंड। उनको क्या राग नहीं समझता था, कुछ नहीं। दे वर सिंपली कैरीड अवे बाय द मैन्स, बाय माय फादर्स इन्वॉल्वमेंट विद म्यूजिक। ये जो है गाने में व्यक्ति को अभिव्यक्ति में संपूर्ण अपने आप को खो देना चाहिए जी, right? जी। तो इस तरह की forgetting himself and becoming one with music and enjoying himself with that music and giving pleasure to the audience, उसी का प्रभाव था कि वो। हाँ, और मैं भी I was surprised that villagers, young boys, school boys could sit for 2.5 hours, listen to him, right? Believe me, they didn't know anything about ragas. Anything about ragas. But they all enjoyed it. एक बात हो गई जी। दूसरा एक बात मैं बोलना चाहूंगा, एक बार बंबई में हम लोग प्रोग्राम के बाद घर जा रहे थे जी। हमारे दोस्त के यहाँ बेंगेरी साहब करके हैं, तो वी आर वेटिंग फॉर आवर कार टू कम एंड पिक अप। हम रोड पे खड़े थे, मैं, बेंगेरी साहब, मेरे पिताजी। ऑल ऑफ अ सडन अ मैन नीटली ड्रेस्ड विद अ सूट कोट एंड अ टाई, स्ट्रेंजर, ही केम एंड लिटरली फेल एट द फीट ऑफ माय फादर। पिताजी बोले अरे भाई भाई ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो। तो उन्होंने कहा, ऐसे ऐसे रोते थे, आंख पे पानी आ रहा था, तो ऐसा कहे, आप हमको हमारे जीवन में बहुत सुख दिए, यू हैव गिवन अस मोमेंट्स ऑफ जॉय। अच्छा फिर बाद में पिताजी पूछे आप कौन है, वो हम मेरा नाम लेकर आप क्या करेंगे। मुझे इस जीवन में इतना इतना आनंद का क्षण दिए आप लोग, यही काफी है मुझे। इतना कहकर उसने अपने नाम भी नहीं बताया, चला गया। तो बाबा बोले उस वक्त, देखो भाई ये मेरा संगीत का प्रभाव नहीं, ये संगीत का प्रभाव है। एनीबॉडी हु सिंग्स विद इन्वॉल्वमेंट, ये पंडित जी की महानता थी। हाँ। कि उन्होंने उसको उस ढंग से लिया, अदरवाइज ही वॉज Yes, वो तो yes. उन्होंने अपनी मेहनत से और अपनी लगन से और रियाज से अपने आप को ऐसा मांझा और ऐसा स्टाइल दिया कि आदमी को या श्रोता को वो एक दूसरे दुनिया में ले जाने के लिए सक्षम थे। हाँ जी, तो वो तो प्रभाव तो था। हमेशा कहते थे कि पहले गाने वाले को अपने को, यू मस्ट प्लीज योर सेल्फ, आनंद पहले हमको होना चाहिए, गाने वाले को आनंद होना चाहिए। You don't sing to the gallery. किसी दूसरों को प्लीज करने के लिए नहीं गाने का नहीं है। लोग जब वाह वाह कहते हैं, थाली बजाते हैं, तो इट शुड नॉट गो टू योर हेड।
एक बात और थी, हाँ जी, कि आप तो उनके सुपुत्र हैं, हाँ जी, और उस नाते आपने उनसे गाना सीखा, इतने क्लोज रहे, वो तालीम किस तरीके से आपको देते थे, हाँ, और किस बात पर ज्यादा जोर देते थे? अच्छा, मुझे तो फॉर्मल ट्रेनिंग ऐसा तो अबाउट देश से बात हुआ व्हेन आई वाज इन द कॉलेज, लेकिन एक बात ये है कि हमको संस्कार था, बचपन से ही संस्कार था, अगर चाहे ना चाहे संगीत तो चलता ही था जी। बाबा हमेशा घर में रहते थे तो हमेशा तानपुरा पकड़ के एक एक खोली में बैठ जाते थे, तो कॉन्स्टेंटली वी वर लिसनिंग टू म्यूजिक ऑल द चिल्ड्रन, तो अगर चाहे ना चाहे तो संगीत तो था ही जी। और तब से ही हम लोग एटलीस्ट आई गॉट मोस्ट ऑफ द रागास एज सिंपल ट्यून्स, आई डिडंट नो द नेम्स ऑफ दीज रागास, कुछ नहीं क्या, आई कॉट देम लाइक ट्यून्स लाइक टूडेज यंगस्टर्स गेटिंग एडवर्टीजमेंट ट्यून्स, नाम पता नहीं था, कुछ नहीं था। फिर बाद में मुझे ही डिड नॉट वॉन्ट टू बिकम अ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, इसका कारण एक 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 बात है, एक बड़ा कारण है, उन्होंने प्रोफेशनल म्यूजिशियन बन के कितना सफरिंग झेल ली थी, ही डिड नॉट वॉन्ट मी टू सफर अंडर गो ऑल दैट सफरिंग, बाबा बहुत बहुत स्ट्रगल किए, ही नेवर कंप्लेन अबाउट इट, बट ही डिड वॉन्ट मी टू अंडर गो ऑल दैट स्ट्रगल, तो इसलिए मुझे उन्होंने एजुकेशन लेने के लिए कहा, कि बोले कि तुम सीखो, तुम कुछ बनो, ये संगीत तो तुम में रहेगा ही, नहीं? और 63 से हमको फॉर्मल ट्रेनिंग देने लगी, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था।